हेलो प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया था। सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट आंसर आया था बच्चों, नेट वाला है ये, और क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट भी लिखते हैं। डायरेक्शन हो जाएगी पॉजिटिव वाले से लेके नेगेटिव वाले तक। आज टॉपिक पढ़ना है फोर्स बिटवीन द प्लेट्स। क्या फोर्स होगा दोनों प्लेट्स कैपेसिटर्स की होती उनके बीच में? तो अजम्पशन में क्या रखना है बच्चों के, एक Q अज्यूम कर लो, चार्ज इस पर रखा है और यहाँ हो जाएगा नेगेटिव का Q। अगर आपने यहाँ पे प्लस के चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड करे हुए हैं तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी आराम से देख सकते हो। अगर यहाँ पे अपन ने नेगेटिव दिया है, एज इफेक्ट की बात बार बार नहीं करनी, उसको इग्नोर करके पढ़ा जाता है ये वाला चैप्टर। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टर्म आता है ना, वो होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। बट ये ध्यान रखें कि ये दोनों की फील्ड से मिलकर बनता है बच्चों। इसकी फील्ड होगी वो हो जाएगी ई पॉजिटिव, इसकी फील्ड हो जाएगी ई नेगेटिव। दोनों को मिलाकर ये मिला है, ठीक है। और दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम होता है, क्योंकि इसको अपन लोग बच्चों थिन प्लेट मानकर स्टडी करते हैं। दिस इज कंसीडर्ड एज थिन प्लेट। यू कैन राइट हियर, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, वो होता है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर फर्स्ट प्लेट प्लस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर सेकेंड प्लेट, विच इज सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। और अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन प्लेट, तो आंसर बहुत सिंपल सा है, पॉजिटिव का हो या नेगेटिव का हो, ये मैग्नीट्यूड में आता है सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, या हो जाएगा क्यू बाय 2 ए एप्सिलॉन नॉट। ऐसा इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इन दोनों में से अब किसी एक चार्ज को आप लोग क्या बोल देंगे, टेस्ट, और ये बेचारा किसी और की फील्ड में पड़ा होगा। मतलब ये खुद की फील्ड पर तो इफेक्ट डालेगा नहीं ना, तो ये जो नेगेटिव वाला चार्ज है इसको इसके लिए पढ़ना है। मेरा कहने का ये मतलब है कि लेट से ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस वाली, यहाँ माइनस क्यू को रख दोगे तो क्या करेगा ये, इस तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोस्टेट का बेसिक प्रिंसिपल है बच्चों ये। तो ये हो जाएगा आपके पास फोर्स एक्टिंग, ठीक है, ऑन प्लेट टू, ठीक है। प्लेट टू का मतलब है माइनस वाली। तो फोर्स का फॉर्मूला हो गया अपने पास, नेगेटिव लिखा, क्यू इंटू ई लिखना शुरू किया, तो यहां हो जाएगा प्लस, आंसर हो गया नेगेटिव क्यू। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, या लिख सकते हो नेगेटिव ऑफ क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2 ए एप्सिलॉन नॉट। ये याद रखें बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और यहाँ पे जो फोर्स है और नेगेटिव का मतलब है फोर्स इज अट्रैक्टिव, ठीक। ऐसा भी बोल सकता है कोई टीचर कि फोर्स जो लग रहा है सेकेंड प्लेट पे फर्स्ट की वजह से, वो सेम होगा फर्स्ट पे जो लग रहा है सेकंड की वजह से। वेक्टर लगा लोगे तो यहाँ नेगेटिव लगाना पड़ेगा, और फोर्स हमेशा पेयर में लगते हैं तो ये अट्रैक्टिव पेयर बन जाएगा, राइट। कई सारे बुक्स में इसको थोड़ा बहुत चेंज करके भी बताया जाता है, जैसे कैपेसिटी का एक फॉर्मूला होता है बच्चों ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, हमने पढ़ा हुआ लेक्चर्स में। तो यहां से देखो आप, सी इंटू डी की वैल्यू किसके बराबर आ गई, ए एप्सिलॉन नॉट की, उसको यहाँ पे भर दो तो आपके पास मिलने लग जाएगा फोर्स का एक और फॉर्मूला। नेगेटिव तो आएगा बच्चों अट्रैक्टिव फोर्स है ये, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2 ए एप्सिलॉन नॉट की जगह पे आ गया आपका सी इंटू डी। फिर कोई और टीचर बोलेगा कि आप लोगों ने पढ़ के रखा है कैपेसिटी होता है आपका क्यू बाय वी, तो वी हो जाएगा आपका क्यू बाय सी। देखो यहां से, और यहाँ क्यू बाय सी आ रहा है, तो उसके हिसाब से भी फोर्स का एक नया फॉर्मूला मिलना शुरू हो जाएगा बच्चों। वो हो जाएगा नेगेटिव, दो क्यू में से एक क्यू आप यूज कर लो, और क्यू बाय सी की जगह पे आप क्या लिखोगे, V का टर्म आ जाएगा। तो ऊपर आ गया V और नीचे आ गया आपका D, तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया फोर्स का, ठीक है ना बच्चों। ये भी एक फॉर्मूला हो गया अपने पास फोर्स का, और जो पहले अपने डिराइव करके रखा है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, कहते हैं इसको 1/2 क्यू स्क्वायर बाय ए एप्सिलॉन नॉट। ओके, आइए आगे बढ़ते। तो बच्चों कैपेसिटेंस पता करना है वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर का, ठीक है। ऐसा समझ लो कि हमारे पास एक कैपेसिटर होगा और अंदर रहने वाली फील्ड अभी तक जो कांस्टेंट थी ना, वो वेरिएबल फॉर्म में मिलेगी। तो ऐसा एक सिचुएशन अज्यूम कर लेते हैं कि दो कंडक्टर हैं, ये क्लोजेस्ट पॉइंट का नाम ए रख लो और इस वाले पॉइंट का नाम बच्चों बी रख लो, ठीक है। दो अलग अलग कंडक्टर होगा, चार्ज भी होगा इनके पास, एक पे प्लस और एक पे ये वाले पे माइनस का। तो कहता है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड वाई पे एक फंक्शन बना लेगी, है ना, या तो एक्स या तो वाई बना लेगी। तो अभी अपन को वाई पे फंक्शन बना लेगी, और अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है Q बाय एप्सिलॉन नॉट ए, ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट का टर्म ही है, ठीक है। और ये एक फंक्शन का टर्म मिल रहा है 1 प्लस बी वाई स्क्वायर। बच्चों ये सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल है, इसकी जगह पे और कुछ भी आ सकता है, राइट। तो वेर बी इज अ कॉन्स्टेंट और सेपरेशन वाई
एक्सिस पे कितनी है बच्चों, दोनों की डी, मतलब ये दोनों के क्लोजेस्ट पॉइंट की सेपरेशन डी है। इस पर लो पोटेंशियल है, मैंने बताया था लो का मतलब है यहीं पे रेफरेंस लेना है, ठीक, और ये वाला आपका हाई पोटेंशियल पे माना जाएगा। तो अगर ऑब्जर्वर बच्चों यहाँ पे बैठ के ऑब्जर्वेशन लेगा तो ये कहेगा यहां से यहां तक पहुंचोगे तो डिफरेंस इन पोटेंशियल मिलता जाएगा इन्फाइनेटली स्मॉल लेवल्स पे। तो उसी की इक्वेशन होती है जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी, डीवी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ई डॉट डी आर लिखते हैं, वहां पे एक्स वाई जेड तीनों आ सकते हैं, यहाँ वाई के लिए पढ़ रहे हैं तो ये हो जाएगा वाई, इन दोनों के सर पे अगर वेक्टर लगा देंगे और यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे तो कहां से कहां करना होगा, लोअर से लेके हायर तक, तो इस जगह पे आ जाएगा बच्चों आपका बी और यहाँ पे आ जाएगा आपका ए, तो वही मिल रहा अपन को यहाँ पे वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू दिस पर्टिकुलर वैल्यू। ये लिमिट्स कहां से आ रहे हैं उस पर ध्यान दो, इस ऑब्जर्वर के लिए शुरुआत यहां से हो रही है तो इनिशियल लिमिट क्या हो गई डी, और यहां से चल के कहां तक आ रहे हो बच्चों आप लोग, इस एंड तक चलकर आ रहे हो तो ये हो जाएगा जीरो। इस एक्सप्रेशन का बहुत ध्यान रखें, ये बच्चे बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज होते हैं जब भी पढ़ना शुरू करते हैं कि सर नेगेटिव क्यों आ रहा है, लोअर से लेके हायर जा रहे हैं, हायर से लोअर आ रहे हैं। मैं पहले समझा देता हूँ आपको, हमेशा लो पोटेंशियल यहाँ पर आना चाहिए अगर ये नेगेटिव है और वर्क डन हो रहा है अगेंस्ट में। तो देखो ये टर्म तो आ गई आपकी वी के बराबर, ठीक, वी ए माइनस वी बी, एक नेगेटिव लिख लेते हैं, इंटीग्रेट किया, ई का टर्म ऊपर लिखा हुआ है बच्चों, ये हो गया क्यू डिवाइड बाय ए एप्सिलॉन नॉट वन प्लस बी वाई स्क्वायर डॉट ऑफ डी वाई, जो कांस्टेंट है उसको पहले ही बाहर कर लेते हैं, ज्यादा अपने को दिक्कत नहीं जाएगी। ए एप्सिलॉन नॉट हो गया, इसको करो चेन इंटीग्रेशन, वन के लिए क्या मिल जाएगा, सभी को पता है सर वाई आना चाहिए, और यहाँ बी तो बच्चों कांस्टेंट है वाई स्क्वायर का, पूरी दुनिया वाले जानते हैं कि पावर एक बढ़ जाएगी और नीचे आ जाएगा थ्री, लिमिट हो जाएगी बच्चों, नीचे लिखा है डी और ऊपर लिखा है जीरो, सेम इसकी तरह यहां भी हो जाएगा डी और ये हो जाएगा जीरो। अब ध्यान रखो यहाँ नेगेटिव का टर्म है, तो पढ़ते कैसे हो आप लोग, सर अपर लिमिट भर देते हैं फिर लोअर लिमिट भर देंगे, क्योंकि यहाँ माइनस पड़ा हुआ है तो पहले लोअर भरी जाएगी, तो पोटेंशियल हो गया आप लोगों का क्यू, ये हो गया ए एप्सिलॉन नॉट, लोअर पहले भर लो बच्चों, ये हो जाएगा डी प्लस बी डी क्यूब डिवाइड बाय थ्री, और यहां से हो जाएगा एक जीरो का टर्म, हालांकि इसको लिखना नहीं था मुझे, ऐसे ही मैंने नोट कर दिया है, ठीक है ना। तो वी का एक स्टैंडर्ड आंसर मिल रहा है, क्यू लिखा डी, एक डी बाहर निकाल लो और ये हो गया ए एप्सिलॉन नॉट, अंदर बच रहा है वन प्लस बी डी स्क्वायर डिवाइड बाय थ्री, ठीक है। और ये बच्चों अभी आप लोगों का फाइनल आंसर नहीं है, हमें कैपेसिटेंस पता करना है, तो ये हो जाता है बच्चों क्यू बाय वी, और इस क्वेश्चन में क्यू की वैल्यू कैपिटल्स में और वी को कॉपी कर दो तो ये हो जाएगा क्यू डी वन प्लस बी डी स्क्वायर बाय थ्री, और ये टर्म्स ऊपर आ जाएंगे ए एप्सिलॉन नॉट, ये कैंसिलेशन में कर लो तो ये टर्म तो कांस्टेंट आ ही रही है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, और साथ में ये एक वेरिएबल टर्म आ रही है वन प्लस बी डी स्क्वायर डिवाइड बाय थ्री, ठीक है। दिस विल बी द कैपेसिटेंस एंड योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो तो पढ़ के देखिए कैसा आंसर मिलना है। ये हो गया पोटेंशियल का टर्म और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का टर्म। आइए आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर, कंप्लीटली चार्ज पढ़ते हैं अपन लोग यहाँ पे, वो कैसे एनर्जी को स्टोर करता है ये समझ लो। डायग्राम तो स्टैंडर्ड सा है, बैटरी बनाई, यहाँ पे वी पॉजिटिव है और वी नेगेटिव है, आप चार्ज भी देखते हो, एरिया भी दिख रहा है और ये सेपरेशन भी है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। लेकिन बच्चों ध्यान दो कि इंस्टेंटली यहाँ पे इस तरह का चार्ज नहीं आ जाएगा और एकदम इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप नहीं हो जाएगी इस तरह से, राइट, देयर इज अ प्रोसेस इन्वॉल्व्ड। ये अज्यूम करके चलो कि ये प्लस की प्लेट हो गई, ये नेगेटिव की प्लेट हो गई, इन दोनों की बात यहाँ कर रहे हैं। जब पहला चार्ज यहाँ पे एंटर करता है बच्चों तो आसानी से यहाँ के बैठ जाता है, ठीक, लेकिन जब कोई दूसरा नंबर का चार्ज वापस से एंटर कर रहा है तो ये प्लस का इसको रिपेल मारेगा, देयर हैज टू बी वन समवन फ्रॉम एक्सटर्नल जो इसको अंदर की तरफ एंटर कराए, और इससे ज्यादा फोर्स होना चाहिए, और वो इन्फ्लुएंस कौन देता है, हमारा बैटरी, फिर वो फोर्स आके यहाँ पर बैठ, चार्ज आके यहाँ पर बैठ जाता है, फिर एक और चार्ज आएगा वो भी इससे लड़ाई झगड़ा करेगा, वो रिपल्शन मिलेगा तो वो भी फिर यहाँ पर आके इस तरह से ऐसे बनना शुरू हो जाएगा, और सेम वही चीज आप बोलोगे कि ये चार्ज इसके इस एंड पे दिखना शुरू हो जाएंगे फिर, और सिमिलरली यहाँ पर ये प्रिंसिपल फॉलो हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि इनिशियली चार्ज कितना होगा बच्चों, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इनिशियली, कम्प्लीटली चार्ज नहीं बोलेंगे, डिस्चार्ज बोलो इसको, तो चार्ज इसके पास हो जाएगा जीरो, एंड लेट अज्यूम एट टाइम टी
जो चार्ज की वैल्यू है ना कैपेसिटर पे वो है क्यू, और इसको कंप्लीटली फुल चार्ज अपन को जब कर देना है तो उसका एक अलग से नॉमिनक्लेचर कर लो, वो चार्ज की वैल्यू को आप क्यू नॉट बोल दो। अब बच्चों वापस यहां ध्यान दो, लेट से एक चार्ज आपने लाकर रखा था, दूसरा चार्ज और लाओगे तो क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो कुछ भी चार्ज यहाँ रखने के लिए क्या करना पड़ रहा है बच्चों, फोर्स लगाना पड़ रहा है, या मैं कहूंगा थोड़ा भी वर्क डन करना पड़ेगा आपको, डिस्प्लेसमेंट भी होगी यहाँ पे। तो आप कह सकते हो फॉर एडिंग एक्स्ट्रा डीक्यू चार्ज, ये ध्यान रखना यही बस एक कंसेप्ट है कि कैसे एनर्जी स्टोर हो जाती है, डीक्यू चार्ज आपको एक स्मॉल वर्क डन करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा डी डब्ल्यू इज रिक्वायर्ड। बस यही आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। जितना भी चार्ज यहाँ पे मान के चलो कि सर यहाँ पर अभी क्यू चार्ज है, ठीक, थोड़ा और लेकर आना है डी क्यू को, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे आपको एक वर्क करना पड़ेगा, और वही वाला आपका जो वर्क है वो हो जाएगा बच्चों वी डॉट डी क्यू। अब लड़ाई झगड़ा नहीं करना यहाँ पे कि सर ये भी तो लिखा जा सकता है कि डी वी हो गया और क्यू हो गया, तो पोटेंशियल तो किसी इंस्टेंट पे कॉन्स्टेंट माना जाएगा ना, ये तो सरासर गलत है, कहीं लिखा देखो तो गलत है ये, ठीक है, ये कंसेप्ट है हमारा। डी डब्ल्यू वर्क लग रहा है इतना चार्ज एंटर कराने के लिए, और उस इंस्टेंट का पोटेंशियल आपको कहता है वी, तो इंस्टेंट पे क्यू है और पोटेंशियल बच्चों इसके पास वी है, और फाइनल वैल्यूज हो जाएंगी इसकी क्यू नॉट तक चार्ज करना है और पोटेंशियल वी नॉट तक लाना है, बात समझ रहे हो। और कैपेसिटी पे तो किसी का जोर नहीं होता, तो वो तो फिक्स रहने वाली है, इसी को आगे बढ़ा लो आप, ठीक है। तो हो जाएगा फॉर कंप्लीट चार्जिंग, तो फुल चार्ज इसको जब आप करोगे तो क्या करना होगा, ये वर्क है अपना, तो बच्चों यही आप लोगों का एक डी डब्ल्यू का टर्म बना लेगा जो सब्सिक्वेंटली आपका वर्क बन जाएगा, और यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन वी डॉट डी क्यू। डी क्यू की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक जा रही हैं, देखो जीरो से लेकर, यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है क्यू नॉट तक, तो हो जाएगा जीरो से लेकर बच्चों क्यू नॉट, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इंटीग्रेशन वी का मतलब होता है क्यू बाय सी डॉट ऑफ डी क्यू, जीरो से लेके बच्चों ये हो गया क्यू नॉट। कॉन्स्टेंट क्या है इन दोनों में से, 1 बाय सी बाहर निकाल लो, ये इस पे जा रहा फंक्शन पे, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ठीक, जीरो से लेके आ गया बच्चों क्यू नॉट, और अपर लिमिट ही जाएगा, लोअर का तो काम नहीं पड़ेगा। तो आंसर कितना आ रहा है आप लोगों का, ये हो जाएगा क्यू नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 2c, और ये वर्क डन है, तो यहां लिखेंगे द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन गेट्स कन्वर्टेड, और ये हो गया आंसर अपना, गेट स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और यही आगे जाके क्या बनने लग जाएगा बच्चों आपका यू, और फॉर्मूला आ चुका है इसका क्यू नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 2c। इसके और भी फॉर्मूले होते हैं, आइए देखते हैं कैसे बन रहे हैं। तो बच्चों क्यू नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी इंटू वी नॉट हो जाएगी, सी नॉट मत कर देना ये तो कॉन्स्टेंट टर्म है, यहां रख लो इसको, एक फॉर्मूला आ गया इसका नया वाला, देखो ये हो जाएगा 1/2 सी वी नॉट का स्क्वायर, ठीक है। एक फॉर्मूला और होता है बच्चों, एक बार मैंने इसको रिप्लेस किया, अब एक बार इसको रिप्लेस कर दो, तो सी को आप बोल सकते हो कि सर इसको क्यू नॉट बाय वी नॉट लिख दो, आप क्या दिक्कत है, तो यू का एक और फॉर्मूला बन जाएगा, हाफ तो हाफ रहने दो, और इसकी जगह पे क्या आ रहा है बच्चों, क्यू सी की जगह पे क्या आ रहा है आपके पास, क्यू नॉट बाय वी नॉट, तो ये हो जाएगा क्यू नॉट तो एक चला जाएगा और V नॉट ऊपर निकल आएगा। तो एक फॉर्मूला तो प्यारे बच्चों ये आ गया सामने अपने पास, एक फॉर्मूला तो ये आ गया हमारे पास, और एक फॉर्मूला अपन ने डिराइव कर लिया था ये वाला, ठीक है, देयर विल बी 3 फॉर्मूलास। और अगर मैं इसको एक बात और कंपेयर कराऊं तो ये 11th का टॉपिक यहाँ पे ऐड अप कर रहा हूं मैं, एक स्ट्रेच स्प्रिंग को पढ़ के देखो बच्चों, या सोचो बस 11th में अपन ने इसको पढ़ रखा है स्ट्रेच स्प्रिंग, तो उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी होती है, 1/2 लिखते हो और के एक्स स्क्वायर लिखते हो, एक्स नॉट कर लो फिलहाल मैक्सिमम पे ले गए, और आज की क्लास में क्या है पढ़ के आए अपन लोग 1/2 है, और यहाँ पे है क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c हो रहा है ये तो टर्म, तो यहां से क्या समझ आ रहा है बच्चों आप लोगों को, दो बातें कंफर्म हो रही है, हाफ को तो हटा दो, तो जो इन लोगों का डिस्प्लेसमेंट था वो हमारा आज चार्ज बन गया है, देखो एक्स नॉट है और यहाँ पे क्यू नॉट है, और सिमिलरली ये k का टर्म है और ये 1/c का टर्म है, राइट, तो उनका जो k था वो हमारा क्या बन गया 1/c। आगे जाके आपको बहुत बार में ये मैकेनिकल सिस्टम और इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स को कंपेयर करके या इनकी एनालॉगी बनाकर सिखाऊंगा, लेकिन अभी याद करो हाफ के एक्स स्क्वायर पे पढ़कर आए अपन लोग, और आज पढ़ रहे हैं अपन 1/2 हो गया, x की जगह पे चार्ज आ गया और k की जगह पे 1/c आने लग जाता है,
ये इक्वल्स नहीं है बच्चों, ये एनालॉगी होती है, मतलब उनका ये और हमारा ये, है ना। तो फाइनली तीन फॉर्मूले अपने पास, फॉर्मूला नंबर वन, ये हो गया टू और ये हो गया थ्री। क्यू नॉट स्क्वायर बाय टू सी, वन बाय टू सी वी स्क्वायर, और ये हो जाएगा हाफ क्यू नॉट और वी नॉट, ठीक है। और इन दोनों को बस ध्यान रखना है, कई बार एक बार ट्रिकी क्वेश्चन आ गए कि एनालॉगी क्या होती है मैकेनिकल सिस्टम्स की, तो वहां पर समझ सकते हैं कि एक्स नॉट को क्यू नॉट समझना है और स्प्रिंग कांस्टेंट को यहाँ पे कैपेसिटिव कांस्टेंट समझना है। ओके बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कैपेसिटर। अब ये डेंसिटी वर्ड पे ध्यान दो आप लोग बस, ठीक है। ये एज इफेक्ट को थोड़ा हटा दो, अभी समझ के चलो कि सर चार्ज हो चुका है ये, इसके पास कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। तो टॉपिक पहले अपन ने देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर लेता है ये, और यहाँ पर एनर्जी का फॉर्मूला कैपिटल यू में बताया जाता है, जो फॉर्मूला होता है 1 बाय 2, आप लोग पढ़कर आए हो क्यू नॉट स्क्वायर बाय सी आ गया था। एक और फॉर्मूला प्रूफ किया था हम लोगों ने, 1 बाय 2 लिखा और ये हो जाएगा सी वी नॉट स्क्वायर। सिमिलरली बच्चों एक फॉर्मूला और था 1 बाय 2, ठीक, ये हो जाएगा क्यू नॉट इंटू वी नॉट। इसको भी अभी ई नॉट कर लो और एनर्जी मैक्सिमम कर लो, ठीक है। ई नॉट मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी के अंदर जो फील्ड रह सकती है, ध्यान रखना ये ई नॉट का टर्म सर ने यहाँ अज्यूम कराया है। अब एनर्जी डेंसिटी का क्या थ्योरेटिकल मीनिंग निकलता है, एनर्जी डेंसिटी, पहले तो ये समझ लो कि इसको कैपिटल यू से पढ़ा जाता है और ये होता है छोटा वाला यू। और फॉर्मूले के चक्कर में पढ़ोगे तो क्या लिखोगे कि सर यू का फॉर्मूला होता है एनर्जी डेंसिटी है, तो बेसिकली ये हो जाएगा एनर्जी ऊपर आएगा और नीचे आ जाएगा प्यारे बच्चों वॉल्यूम, और लिख सकते हो यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो थ्योरी से क्या बन रहा है ये, इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ एनर्जी तो मिल रही है आप लोगों को, कुछ एरिया भी देख सकते हो और यहाँ से सेपरेशन भी समझ सकते हो बच्चों। और वॉल्यूम कोई मांगेगा तो क्या करोगे, एरिया इनटू डिस्टेंस बोलोगे, तो कुछ वॉल्यूम यहाँ पे ऑक्यूपाइड है उसके हिसाब से यहाँ पे एनर्जी का डेंसिटी आराम से निकाला जा सकता है। तो एनर्जी स्टोर्ड में इन तीनों में से कोई भी एक फॉर्मूला पिकअप कर लो, ये हो जाएगा 1 बाय 2 सी वी नॉट स्क्वायर, मैंने ये यूज कर लिया है। डिवाइड कर देते हैं वॉल्यूम से, वॉल्यूम होता है ए इंटू डी। दुनिया वाले सब जानते हैं कि सी का मतलब क्या है, ये होता है ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, डिवाइड बाय डी, और ऑलरेडी ए डी नीचे है तो हो जाएगा ए और ये हो जाएगा डी का स्क्वायर। एक हटा दो और यहाँ हो रहा है आपके पास वी नॉट का स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैट कहता है इज इक्वल टू वी बाय डी होता है, यहाँ पे अभी मैक्सिमम की बातें चल रही हैं तो इसको यहाँ पे रख दो बेटा। तो एनर्जी डेंसिटी मतलब छोटा वाला यू, ये हो जाएगा हाफ, न्यूमरेटर में आया एक एप्सिलॉन नॉट, और इन दोनों की जगह पे आ जाएगा बच्चे लोग ई का स्क्वायर, और मैं कहूंगा ई नॉट। ये नॉट शब्द पे मत भूलना, उसका मीनिंग है कि एक तो वैक्यूम में बात हो रही है और दूसरी बात ये हो रही है कि ये मैक्सिमम फील्ड तक इलेक्ट्रिक फील्ड जो रह सकती है कैपेसिटी में बिना किसी यहाँ पे मीडियम के, है ना, एक एयर यहाँ पे मीडियम है, राइट। तो यू का मतलब हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन और ई का स्क्वायर, और कैपिटल यू का मतलब सिंपल होता है एनर्जी। ये कंफ्यूजन वाली बहुत लाइन है इसलिए मैं दोबारा लिख दिया हूं यहाँ पे, छोटा यू हो जाएगा प्यारे बच्चों एनर्जी भी आएगा और साथ ही साथ आ जाएगा डेंसिटी। थ्योरी होती है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। आइए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों की कंसेप्ट थोड़े पढ़ लेते हैं, ठीक है। कहता है इफ वन ऑफ द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट स्लाइड्स रिलेटिवली, तो क्या होगा ना, सी डिक्रीज करेगा, क्योंकि कैपेसिटी का तो फॉर्मूला ही होता है ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी। यहाँ पे जो एरिया होगा ना बच्चों वो इफेक्टिव होना चाहिए, कितना बेसिक में ओवरलैप कर रहा है। से यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ एरिया यहाँ पे शेड करके रखा है तो उतना ही काम का है ना अपने पास एरिया। जैसे कोई एग्जांपल के फॉर्म में कह दे कि इसको स्लाइड करा दिया हम लोगों ने और ये जो एरिया बाहर भगाया गया है वो हो गया ए बाय थ्री, तो ध्यान रखना इसके डबल का लॉस होगा। कैसे, ए बाय थ्री ऊपर निकल जाएगा और ए बाय थ्री बच्चों यहाँ पर डाउनवर्ड निकल जाएगा, तो यहाँ पर इफेक्टिव एरिया कितना बचेगा आप सोचो एक बार। ये हो जाएगा ए माइनस दो दो ए बाय थ्री विच शुड बी ए बाय थ्री, मतलब ये जो सेंटर पे एरिया आ रहा है, अभी ज्योमेट्री में थोड़ा आपको कम ज्यादा लग रहा होगा लेकिन न्यूमेरिकली आ रहेगा आएगा ये ए बाय थ्री। ध्यान रखना जितना ऊपर जाएगा उसका डबल का लॉस होगा, यही ये पॉइंट सिखाने की कोशिश कर रहा है कि कुछ स्लाइड कर देंगे तो समझना होगा अपन को कि कितना लॉस हो रहा है और कितना ओवरलैप हो रहा है, जितना इफेक्टिव बच रहा है
वही वैल्यू आपकी यहां पे मिलने वाली है। सेकंड पॉइंट कहता है इफ बोथ प्लेट्स आर टच्ड टू ईच अदर द रिजल्टेंट पोटेंशियल बिकम जीरो। ठीक है, ऐसा अपन समझ के चलो कि पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों यहां पे जीरो हो जाएगा। कैसे? आप कहते ही हो हमेशा से कि सर ये दो प्लेट्स हो जाएंगे, इसके पास क्या होगा वी पॉजिटिव, इसके पास क्या होगा वी नेगेटिव। अगर कोई ऐसा काम कर दे कि इन्हीं दोनों प्लेट को किसी एक वायर के साथ कनेक्ट कर दे बच्चों, तो यहाँ पे भी वी आएगा, यहाँ पे भी वी आएगा। और कैपेसिटी के फॉर्मूले में क्या होता है, क्यू बाय वी नहीं होता है, वो डेल्टा वी होता है। तो बच्चों डेल्टा वी यहाँ पे जीरो बन जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे जीरो चला जाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों के? और वो जीरो होते ही जो कैपेसिटी होगी वो इनफाइनाइट मानने लग जाएंगे अपन। ये कंसेप्ट थोड़ा बहुत अपन और आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, अभी वन लाइन के फॉर्म में याद कर लो कि दोनों प्लेट को अगर अपन टच कर दें किसी वायर से, टच बाय वायर, देन दिस हैपेंस एंड साइमल्टेनियसली कैपेसिटी टेंड्स टू इनफाइनाइट। ठीक, थर्ड पार्ट देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स शोन इन फिगर। ये देखो इस तरह से नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंड्रीज पे होती है, मैंने आपको कई बार प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है। और इसको एज इफेक्ट कहते हैं बच्चों, क्योंकि परपेंडिकुलर निकलना पड़ता है ना इसको यहाँ से, तो ये जो एज से निकलेगा तो परपेंडिकुलर होने के कारण ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कर्व बना लेगा। और क्योंकि ये बहुत लार्ज अज्यूम किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेटिव कंपेरिजन में, तो हम ये मान लेते हैं कि इस जो एज इफेक्ट पे जो फील्ड है ना, इनको हम लोग क्या कह देते हैं कि भैया ये निग्लिजिबल है। ठीक है, तो E इज यूनिफॉर्म इन द सेंटर एंड E इज नॉन यूनिफॉर्म एट द एजेस। और फिर ये कहता है द प्लेट्स इज नेग्लिजिबल इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज वेरी स्मॉल। मतलब आप D को क्या कर दो, छोटा कर दो एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द प्लेट। सभी को पता होता है कि ये जो D है वो सेंटीमीटर बहुत छोटी वैल्यू में दिया जाता है हमको, और ये जो लेंथ है अपनी वो ज्यादा होती है इसके कंपेयर्ड में। बच्चों समझ रहे हो ना यहाँ पे बात को? तो ये हो गया आप लोगों का एक नेग्लिजिबल टर्म, ये सेकेंड पॉइंट का एक्सप्लेनेशन है। ये थर्ड का है बच्चों, और ये अपन शुरू में पढ़ लिए हैं। ठीक है,